मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात में चुनावी माहौल को लेकर कहा कि वहां सरकार विरोधी लहर से भयकर है, इसलिए मोदी जी बार बार गुजरात जा रहे हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री देखा जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले कैंपेन कर रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री गली गली मोहल्ले मोहल्ले स्थिति बन गई है। आप सोच सकते हो इसीलिए क्या हो वो हालात पूरे गुजरात में। ये जो मोदी जी के जो रोड शो कोरोना का मामला बहुत गंभीर है, उनमें मारे गए जिस चढ़ती गई सड़कों पर चित्र लोग मरदमा शराब से ऐसे में सोच सकते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली के दौरे से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने गुजरात के चुनावी माहौल पर बात करते हुए कहा कि वहां सरकार विरोधी लहर है। अब वो समय गया जब मोदी और शाह के खिलाफ लोग बोलने से डरते थे, अब खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के समय में जो गंभीर माहौल था उस समय आम जनता की सुध ली गई। सड़कों पर ड्रिप चढ़ी थी लोगों के, मोरबी में 135 लोग मारे गए थे, लेकिन इंक्वायरी तक नहीं करवा रहे हैं। अब जाकर गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि राहुल की सभाएं भी बहुत अच्छी हुई और अच्छा मैसेज गया। पिछली बार राहुल गांधी आए थे तब गुजरात 77 सीटें आई थी। अभी वह महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे मुद्दों पर भारत जोड़ो यात्रा पर है। ऐसे में इस यात्रा से गुजरात में भी अच्छा मैसेज जा रहा है, ये मैसेज जो हिंदुस्तान के हर घर में जा रहा है। ऐसे में जरूरी नहीं कि यात्रा गुजरात से निकले। उन्होंने गुजरात में सरकार बनाने को लेकर कहा कि हमारा टारगेट 125 का है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 33 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के विरुद्ध खड़े हैं, 21 लोग हिमाचल में हैं। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी में भी पहली वाली बात नहीं रही कि मोदी और अमित शाह से डर के मारे बोलते ही नहीं थे, अब वो लोग बोलने लगे हैं, बदलाव आ रहा है। मुख्यमंत्री संरक्षित दौरे पर मंगलवार शाम जोधपुर पहुंचे थे, यहां से विशेष विमान द्वारा जयपुर के लिए रवाना हुए। गहलोत पाली जिले के रोहित से सड़क मार्ग द्वारा जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, शहर विधायक मनीषा पवार आदि भी मौजूद रहे।